News 18, India. बोला था हमने सर्टिफिकेट दे दिया, रिक्त पदे हैं इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे, हम तो नहीं आना आपके साथ आना चाहते थे, ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है? विजय जी है आप भी सामने, हम कहते मुख्यमंत्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपके सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिक्र होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करें, उस सांप्रदायिक शक्तियों को जो विचारधारा है जो समाज में जहर बोने का काम करती है उसको हम लोग भगाने का काम करें। इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन के कई जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाए। मुख्यमंत्री जी आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके साथ। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते हैं, फालतू अगर आप पहनते हैं उतारने का बात करते हैं, ये सब करो, फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, अब बांध लिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, अब खोलिएगा। अरे हम कोई गलत बात नहीं है, सुन लो यार नवीन जी, सुनिए ना, पथ निर्माण मिल जाए बहुत कृपा होगी, आप आगे काम कीजिएगा, बैठिए ना, बढ़ जाइए बोलो। तो उपाध्यक्ष महोदय बोलो, ये बैठिए, हम लोग शांति से बैठिए, आपके आप जब बोलिएगा इधर से नहीं कोई बोलेगा, आप शांति से बनाए रखिए। हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजेंद्र जी बैठे हैं यहाँ, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर सलाह दी होगी सम्राट चौधरी जी को पगड़ी उतार लो, दिए कि नहीं दिए? आप तो हमको सलाह देते थे, हमको पता है आपके मन में भी पीड़ा है, दर्द है, लेकिन आप एकदम अपने नेता के साथ जो निर्णय है उसी में लेते हैं, लेकिन नेता तो निर्णय लेते हैं, साथ देना चाहिए, लेकिन कभी कोई सलाह और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत निर्णय ना हो, इससे नेता का ही नुकसान होता, इससे नेता का ही नुकसान होगा। तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी। अभी सम्राट चौधरी जी क्या क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहां नहीं बताना चाहते, आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है, और पूरा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि हम कोई ऐसा बोल, सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लो भाई, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है, ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए।
पलटते हैं कि नहीं पलटते हैं मोदी जी का गारंटी। खैर हमको इसकी चिंता नहीं है, विजय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब यहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोड़ी है आप लोगों का, कमाल का, लगे रहिए। लेकिन आप लोग तो क्या क्या बोलते थे, अब उस पर तो आपको बताने का जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि बकवास क्या दोबारा तिवारा जो है रटा जाए, कहा जाए, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जहां, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए, कोनो आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं, कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं, और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते, अगर हमारे सरकार से हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माइका लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए, विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा, ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले, हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था 2020 में, और 20 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी का ना पीड़ा आज मुख्यमंत्री जी को है कि तीसरे नंबर का पार्टी हो गए, और चर्चा तो बाजार में भी चल रहा है। आप मुख्यमंत्री जी एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है, अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इन पे हो गया, अब देख लीजिए। लेकिन जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है हाँ, आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है, खैर उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है, नौकरियां तो निकल ही रही है। और कई बार मुख्यमंत्री जी जब हम आपसे मिलने गए थे, जब सरकार बनाना था हम लोगों को, तो मेरा सबसे